हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप 10वीं क्लास की एक परफेक्ट शुरुआत कर सकते हो। बिलीव मी, अगले 10 से 15 मिनट आपके आने वाले एक साल सेव कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। पिछले 2 सालों में लाखों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर चुका हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको पूरे साल फॉलो कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि 10वीं क्लास में आप मिनिमम 95% फोड़ रहे होंगे। रिसेंटली अभी आपके जो सीनियर्स थे, जो बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं, आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसे इस चैनल ने, कैसे राहुल भैया ने उनकी हेल्प करी थी। ठीक है, आपसे भी इतना बोल सकता हूँ कि अगले 10 से 15 मिनट एक कोने में बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो और जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको नोट डाउन कर लो। आप भी, आप में से हर एक बच्चा जो कि इस वीडियो को देख रहा है, बिलीव मी, आप भी एग्जाम में फोड़ के आ सकती हो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, बट उससे पहले आपके जितने भी दुख, दर्द और जो कष्ट हैं उनको पास्ट में छोड़ के आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि 9th क्लास में आपके कितने भी मार्क्स आए हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अच्छे मार्क्स आए हों, कम मार्क्स आए हों, बहुत ही ज़्यादा बेकार मार्क्स आए हों, फ़र्क नहीं पड़ता है। लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता है। 10वीं क्लास में अभी तक आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये एक फैक्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, किसी भी सीनियर से पूछ लो, ठीक है। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, 9th क्लास में उसके बहुत ही कम मार्क्स आए थे। 9th क्लास में मेरे मैथमेटिक्स में 27 मार्क्स थे, ऑलमोस्ट मैं फेल था। और 10वीं के मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम में मैंने 95% फोड़े थे। ठीक है, और ये मैं नहीं हूँ, ऐसे हर साल हज़ारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो कि हर साल 95% फोड़ते हैं एग्जाम में। आप उनमें से एक हो सकते हो। ठीक है, तो बस 9th के मार्क्स जो भी आए भूल जाओ, कोई पूछता नहीं है। 10वीं क्लास में हम स्टार्टिंग से पहनत करेंगे, स्टार्टिंग से पूरे साल अगर आप मेरे साथ रहते हो, जैसे मैंने लास्ट ईयर बच्चों को गाइड किया था, अगर आप भी पूरे साल मेरे साथ रहते हो, बिलीव मी, मेरी गारंटी है कि आप भी आराम से एग्जाम में फोड़ के आने वाले। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है, कुछ 3-4 पॉइंट है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वही रिसोर्सेज, कि भैया 10वीं क्लास में हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हमारा टारगेट है कि हमें 95% फोड़ना है, तो हमें कौन कौन सी बुक्स करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है, हमें कम बुक्स करनी है, बट ऐसी रिसोर्सेज से पढ़ना है, ऐसी बुक्स से पढ़ना है जिससे पढ़कर हम मिनिमम 95% फोड़ रहे होंगे। ठीक है, और ये वो बुक्स है जो कि हर साल या टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, और जो कि लास्ट ईयर मैंने बच्चों को रिकमेंड की थी, उन्होंने इससे पढ़कर एग्जाम में फोड़ के आ गए थे। ठीक है, पहली बुक, पहले रिसोर्स जिससे हम पढ़ रहे होंगे वो है कि NCERT, जो कि आपने ऑलमोस्ट हर जगह सुन लिया होगा। देखो, NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर CBSE बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए NCERT से इंपॉर्टेंट रिसोर्स कोई भी नहीं है। NCERT का हमें हर एक एग्जाम्पल करना है, हर एक इंटेक्स्ट करना है, हर एक क्वेश्चन करना है और हर एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि NCERT में से एटलीस्ट 50-60% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में, वो NCERT से उठ के आते हैं। या तो वो एग्जाम्पल होंगे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, या तो वो एक्टिविटी जो आपके बॉक्स बने होते हैं ना, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो उठ के आ देंगे, या फिर NCERT के लाइन को ही क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में दे देंगे। ठीक है, लास्ट 10 से 15 साल के पेपर को मैंने एनालाइज कर लिया है, इतना बोल सकता हूँ कि NCERT इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। बोर्ड एग्जाम के लिए NCERT आपकी ब्रह्मास्त्र है, कि मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बोला था, इस साल ही बोलूंगा, तो NCERT को इग्नोर मत करना। पहली बुक जो कि आप पढ़ रहे होगे वो है NCERT। ठीक है, तो NCERT को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर जो नई NCERT बुक आई है, अगर आप वो ले सकते हो, अदरवाइज जो ओल्ड, अगर आपके पास दीदी भैया आपके जो आपके सीनियर्स होंगे, अगर आपके घर में दीदी भैया होंगे, आप उनके बुक्स भी ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है NCERT वाली, आप उससे पढ़ सकते हो, बट हाँ, NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। अब NCERT को पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, NCERT को पढ़ने का बेस्ट तरीका कि NCERT को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लाइंस को पढ़ा जाता है, कैसे उसको डिकोड किया जाता है, यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट मेथड हमने बताया है। अभी थोड़ी देर में, अभी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, बट क्या क्या पढ़ना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड रिसोर्स जिससे हम पढ़ रहे होंगे वो अपना एक क्वेश्चन बैंक। यार, आज के दिन ना क्वेश्चन बैंक एक नेसेसरी हो चुका है। क्वेश्चन बैंक तो यार हर एक बच्चे के पास होना ही चाहिए। क्वेश्चन बैंक मतलब क्या होता है भैया? देखो यार, क्वेश्चन बैंक का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं। आपके पिछले 10 से 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं CBSE एग्जाम में, उसका पूरा कलेक्शन इसमें होता है। इसके अलावा आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके अजर्शन रीजन, आपके जो नए जो क्वेश्चन आए, नए पैटर्न जो आया, कंपेंटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन बैंक के अंदर, एक बुक के अंदर होता है, जहाँ से हमारी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो रही होती है। अब देखो यार, NCERT हमारी इंपॉर्टेंट बुक है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है वो NCERT है, बट NCERT में थ्योरी अच्छे से दे रखी है, थ्योरी इसमें बहुत ही अच्छी है NCERT में, बट क्वेश्चन बहुत ही कम है, है ना, क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाएगी। और क्योंकि CBSE एग्जाम में क्या होता है, CBSE एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस के लिए हमें एक क्वेश्चन बैंक जरूरी लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक, बट क्वेश्चन बैंक ऐसे लेना जो कि आपका नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड हो, जो कि नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड हो, और जिसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन हो, आपके MCQ भी हो, आपके अजर्शन रीजन भी हो, आपके PYQs भी हो, ऐसा क्वेश्चन बैंक है, आप वो ले सकते हो। लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स थे, लाखों बच्चों को मैंने एडोकार्ट का क्वेश्चन बैंक मैंने रिकमेंड किया था, और उन्होंने मेरे को अपना रिव्यू भेजा, उन्होंने मेरे को बताया मैसेज करके
उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भैया जो ये आपने जो क्वेश्चन बैंक बताया था एडुकार्ड का वो बेस्ट है, उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में वो डायरेक्ट उस क्वेश्चन बैंक से उठ के आए थे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस बार भी, ठीक है। तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हैं, सभी अच्छे होते हैं, बट मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो एडुकार्ड को रहेगा। एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपके PYQs हैं लास्ट 10 से 15 साल के वो उसमें ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपके अजर्शन रीजन, आपके केस बेस्ड, आपके एक्टिविटी बेस्ड, आपके MCQ क्वेश्चन जो कि इस साल भी आएंगे वो सभी एक सिंगल क्वेश्चन बैंक के अंदर दे चुके हैं। आपके मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सभी अलग अलग सब्जेक्ट के आपको मिल जाएगा। तो उसका अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो उसका लिंक वगैरह जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ उस पर क्लिक कर आपको सबसे कम प्राइस में वो आपको बुक मिल जाएगा। बाकी आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हो, अगर आपके स्टोर पे अगर मिल रहा है तो स्टोर से ले सकते हो और बुक स्टोर से, अगर बुक स्टोर से नहीं मिल रहा है तो उसका ऑनलाइन जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बट लेना जरूर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक होता है वो। थर्ड पॉइंट है, थर्ड रिसोर्स जिससे हमें पढ़ना है वो है नोट्स। अब यार नोट्स ना अलग चीज़ है थोड़ी, नोट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि भैया नोट्स हम खुद के बनाएं या फिर किसी दूसरे के फॉलो करें। देखो मैं इसी बोल सकता हूँ कि अभी क्या है, सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तुम्हारी जो पढ़ाई है स्कूल जो है स्टार्ट हुआ है, तो अभी तुम खुद से जो बनाओगे नोट्स वो बेस्ट होते हैं, ठीक है। जो खुद के नोट्स होते हैं वो हमेशा बेस्ट होते हैं क्योंकि आपने उनको खुद लिखा होता है, आपकी एक मेमोरी भी होती है उसमें जब आप खुद लिखते हो, तो इसलिए खुद के नोट्स बनाओ वो बेस्ट होते हैं। कैसे बना सकते हो यार, तो नोट्स के यार आप अगर आप कोई स्कूल है स्कूल से आप बना सकते हो नोट्स, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कोई कोर्स में अगर आप एनरोल हो तो उस कोर्स में जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसको नोट्स बना सकते हो। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, YouTube पे बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप YouTube से कोई वीडियो पढ़ रहे हो, YouTube से कोई लेक्चर देख रहे हो तो वहाँ भी नोट्स बना सकते हो। तो पहला पॉइंट है कि नोट्स जो खुद के बनाते हो वो बेस्ट होते हैं, बट इन केस अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चैनल पे अगर आप थोड़ा वीडियो को देखोगे, अगर आप पहली बार कोई बच्चा आया है जो कि मुझे नहीं जानता होगा, इस चैनल पे आप वीडियोस खोल के देखो, बेस्ट वीडियोस पढ़िए। आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी चाहिए, इंग्लिश की बुकलेट चाहिए, बुकलेट इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लाखों बच्चे उसको डाउनलोड कर चुके हैं। आपको हिंदी की स्ट्रेटजी चाहिए, हिंदी की कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की रिविजन बुकलेट चाहिए, लाखों बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं इस चैनल पर अवेलेबल है। आपको मैथ की PYQs चाहिए, इस पर अपलोडेड है। आपको SST के नोट्स चाहिए, इस चैनल पर अपलोडेड है। आपको बस थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, बाकी इन सभी की जो भी मैं आपको बता रखा हूँ ना, इन सभी के लिंक वगैरह भी, वीडियोस के लिंक वगैरह मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाके चेक भी कर सकते हो। बट इतना बोलूँगा कि स्टार्टिंग में खुद के नोट्स बनाओगे वो बेस्ट होते हैं, बिकॉज आप खुद अगर मेहनत करना सीखोगे वो आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे, अभी आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे, बट हाँ जैसे आपका टाइम पास आएगा, जैसे आपका एग्जाम आएगा, जैसे आपका टेस्ट वगैरह आएंगे, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, जैसे आपका प्री बोर्ड आएगा, तो फिर हम आपको नोट्स बना के दे रहे होंगे। जो भी मटेरियल्स जो चैनल पे हैं वो नए जो मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दोबारा मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट उसके लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आगे आपको वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। अच्छा ये तो बात होगी रिसोर्सेज की कि हमें इनसे पढ़ना है, बिलीव मी अगर आप ये फॉलो कर लेते हो ना, NCERT अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बैंक और नोट्स, आप आराम से 95% फोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताने भूल गया कि NCERT को पढ़ने का तरीका क्या है ना, NCERT को कैसे पढ़े ये आपको बताने भूल गया मैं। तो पूरे यूट्यूब के ऊपर बेस्ट वीडियो हमने बनाई है, जब मैं अपनी 10वीं क्लास में था, जब मैं अपनी 12वीं क्लास में था तो मैं कैसे NCERT को पढ़ता था, मैंने उस वीडियो में बता रखा है। बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी कर चुका है उस वीडियो को, बट कोई बात नहीं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं वही कॉपी की जाती है, ठीक है। तो एक वीडियो है इस चैनल की, बेस्ट वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पे आ रहा होगा लिंक, या फिर इस वाली वीडियो के नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि कोई वीडियो देखो ना देखो, बट उस वीडियो को जरूर देखना, हाउ टू रीड NCERT बाय करियर फ्लक्स, बेस्ट वीडियो है। उसमें मैंने साइंटिफिक मेथड डिकोड कर रखे कि NCERT को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, एक से एक तरीका है जिसको जो कि शायद आपने आज तक सोचा भी नहीं होंगे, ऐसे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं उस वीडियो में। तो आपके एक जो NCERT है ना, NCERT को लेकर आपको जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि जैसे ये वाली वीडियो खत्म होती है जाके उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, हाउ टू रीड NCERT बाय करियर फ्लक्स। उसमें मैंने बता रखा कि NCERT को किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं, मैंने तीन तरीके बताए, उन तीन में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो, और वैसे आप NCERT की आराम से उससे अगर उस तरीके से अगर आप NCERT पढ़ते हो ना तो आपको हर चीज़ याद भी हो जाएगी और उस एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स है वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जरूर जाके देख लेना उसको। अच्छा दूसरा पॉइंट है वो है कि भैया रिविज़न कैसे करें, तो रिविज़न करने का दो तरीके हैं, ठीक है। मतलब कि रिविज़न के बहुत सारे तरीके हैं, तो मतलब कि अलग अलग तरीके बताएंगे, हर बंदा आपको अलग तरीका बताएगा, बट मेरे पर्सनल लेवल पे और जो मैंने लास्ट 2 साल से बच्चों को गाइड करा है, इतना बोल सकता हूँ कि जो 2 मेथड हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। पहला मेथड है वो है एक्टिव रिकॉल, और दूसरा मेथड है वो है स्पेस रिपीटेशन मेथड। अब ये क्या होते हैं इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं। जो पहला मेथड है वो है एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल मतलब क्या होता है, देखो एक्टिव रिकॉल मतलब ये होता है कि लेट्स से आप अभी आपने कोई चैप्टर पढ़ा,
ठीक है, आपने अपनी साइंस की बुक उठाई, साइंस का आपने चैप्टर नंबर 1 का पहला पेज पढ़ा। एक पेज पढ़ने के बाद एक पेज को आपने अच्छे से पढ़ा। अच्छा कैसे पढ़ना है उसके ऊपर मैंने वीडियो आपको बता रखी कि उस वीडियो से आप देख सकते हो। तो जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करा पहला पेज, उसके बाद बुक को बंद कर दो, साइड कर दो और अपने माइंड में एज इट इज़ आपको उसको रिकॉल करने का ट्राई करो, उसको याद करने का ट्राई करो कि ऊपर हेडिंग क्या लिखी थी। अच्छा यहाँ पे एक बॉक्स बना था, यहाँ पे एक डायग्राम बना था, अच्छा यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है। ऐसे अपने माइंड में आपको रिकॉल करना है, बिलीव मी ये बेस्ट तरीका है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट लॉन्ग टर्म में इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं रिविजन का। एक्टिव रिकॉल इसका नाम ही क्या है, रिकॉल मतलब याद करना और एक्टिव मतलब कि उसी टाइम याद करना। जब आप पढ़ रहे हो एक पेज पढ़ा आपने, बुक को बंद करो और एक्टिवली उसको याद करो माइंड में। ऐसे आपको पूरे चैप्टर के लिए भी करना है। मान लो कि आपने एक पेज पढ़ा, फिर आपने बुक को बंद करा, फिर याद करा अपने माइंड में, फिर उसके बाद आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है ना, आपने पूरे एक चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद बुक को बंद कर दो, साइड कर दो और पूरे चैप्टर को अपने माइंड में रिकॉल करने का ट्राई करो कि अच्छा यार पहले पेज पर ये लिखा था, उसके बाद फिर उस पर जो सेकंड टॉपिक था वो ये था, फिर यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा था, यहाँ पे एक डायग्राम लिखा था। बेसिकली आपको पूरे चैप्टर को अपने माइंड में रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। इससे आपके दो फायदे हैं, चैप्टर रिवाइज तो होगा ही होगा, प्लस आपकी जो माइंड की जो पावर है, आपकी जो रिकॉलिंग पावर है, आपकी जो मेमोरी पावर है, मेमोरी वो भी आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो ये आपका पहला तरीका था। तो दूसरा तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम का है, जिसको मैंने खुद यूज़ किया था पर्सनली। तो सेकंड तरीका है वही स्पेस रिपीटेशन मेथड। अब यार ये क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल है ये, शायद आप लोग ने ट्राई भी करा होगा या फिर आप लोग ट्राई करती भी होगी बट आपको उसका नाम नहीं पता होगा शायद। स्पेस देखो यहाँ पर नाम क्या है, देखो स्पेस रिपीटेशन मेथड मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद हम चीज़ को रिवाइज करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद हम चीज़ को रिवाइज कर रहे होंगे। मतलब कि इसको इस जो मेथड है, इस मेथड को मैंने 2 साल पहले बता रखा था वीडियो में है ना, 2 साल पहले हमने एक वीडियो में बताया था। मान लो कि आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आज आपने साइंस का, मैथ का, SST का, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर आपने आज पढ़ा है, अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपने उसका रिविजन नहीं करा, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, आज आपने कोई नया चैप्टर पढ़ा है, अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपने उसका रिविजन नहीं करा, बिलीव मी 50-60% वो चैप्टर आप भूल जाओगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी नई चीज़, कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो अगले 24 घंटे के अंदर एटलीस्ट एक बार उसका रिविजन कर लेना। इसे बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन मेथड, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपको एक बार रिवाइज नहीं करना, ऐसे आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है पर्टिकुलर टाइम गैप में। वो टाइम गैप क्या है वो डिस्कस करते हैं। जो पहला रिविजन होगा आपका वो आपको 24 घंटे के अंदर होगा, ठीक है। मान लो कि आज कोई चैप्टर पढ़ा तो अगले 24 घंटे के अंदर एक बार उसको रिवीजन कर लेना। कैसे करना है, उसके नोट्स पढ़ सकते हो, उस चैप्टर एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो, उस चैप्टर के वीडियो देख सकते हो, कैसे भी आपको उसका रिवीजन करना है, ठीक है। नोट्स जो होते हैं नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद अगले 3 दिन के अंदर आपको दोबारा रिवीजन करना है, ठीक है। पहला रिवीजन क्या होगा, जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो 24 घंटे के अंदर होगा, जो सेकंड रिवीजन होगा वो 3 दिन बाद होगा, ताकि आपको जो भूलो ना, ताकि आप दोबारा उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको 7 दिन के बाद रिवाइज करना है। जो थर्ड रिवीजन होगा वो होगा 7 दिन के बाद, और जो फोर्थ रिवीजन होगा वो होगा हमारा 14 डेज के बाद। बिलीव मी अगर आप में से हर एक बच्चा इस पॉइंट तक आ जाता है तो वो चैप्टर आपके दिमाग में याद हो जाएगा, वो चैप्टर की इमेज, आपके चैप्टर की एक एक इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये मैंने 2 साल पहले ही बताया था बच्चों को, ठीक है। हमारी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पर मैंने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 3 दिन के अंदर, तीसरा रिवीजन 7 दिन के अंदर, और चौथा रिवीजन और जो लास्ट रिवीजन होगा वो होगा हमारा 14 डेज के अंदर। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हो ना, गारंटी है कि चैप्टर आपके दिमाग से नहीं भूल सकते आप, ठीक है। ये तरीका है स्पेस रिपीटेशन मेथड, कि एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद हम उसको रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा कुछ लास्ट प्रो टिप्स हैं, ठीक है। ये सब तो आई होप कि आप लोग ये सब समझिए होंगे। कुछ लास्ट में प्रो टिप्स हैं, ये मैं हर वीडियो में देता हूँ। प्रो टिप्स मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका आपको पूरे साल याद करना है, पूरे साल आपको फॉलो करना है, ठीक है। पहला पॉइंट वह है कंसिस्टेंसी। देखो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, अगर मुझे 90% एग्जाम में स्कोर करना है तो मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, भैया क्या मुझे 3 घंटे सफिशियंट है, भैया क्या 8 घंटे सफिशियंट है। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे पे। कोई बच्चा है जिसको 1 घंटे में चैप्टर समझ आ जाता है, कोई बच्चा है जिसको 3 घंटे में समझ नहीं आता है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप कितने भी घंटे पढ़ते हो मैटर नहीं करता, फ़र्क होता है वो है कंसिस्टेंट कैसे पढ़ते हो आप। आप 2 घंटे पढ़ो डेली, ज़्यादा मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, बट 2 घंटे आप कंसिस्टेंट होकर डेली पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज तो 6 घंटे पढ़ लिया, जोश आ गया, फिर अगले 3 दिन पढ़ाई नहीं करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा, कि भले हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे बट 2 घंटा हम डेली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो
तो इसलिए आपने स्कूल में आपका स्कूल भी होगा, आपने शायद कोचिंग में अगर जाते होंगे तो कोचिंग का भी टाइम होगा, आपको होमवर्क भी करना पड़ता होगा, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली अगर आप 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर लेते हो ना, 2 घंटे भी अगर आप सेल्फ स्टडी डेली कर लेते हो 10वीं क्लास में कंसिस्टेंट होके, बिलीव मी आप 95% आराम से फोड़ रहे हो। ठीक है, एग्जाम टाइम में तो हम लोग 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ते हैं, बट मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल आपकी जब स्कूल चल रहा होगा तो स्कूल डेज में अगर आप 2 घंटे भी डेली अपना पढ़ लेते हो सेल्फ स्टडी, जहाँ आप खुद से पढ़ रहोगे, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, बाकी जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर लोगे आराम से एग्जाम में फोड़ के आ रहोगे, ये गारंटी मेरी, राहुल भाई ये गारंटी। ठीक है, दूसरी प्रोटिप, सेकंड प्रोटिप, वाई डिस्ट्रैक्शन। देखो आज के दिन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर रहना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर रहना है, हमें अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आए ना। तो अगर आप जब पढ़ने जा रहे हो ना, जब भी आप पढ़ने जा रहे हो तो ट्राई करो कि जो फ़ोन वगैरह है, फ़ोन वगैरह ठीक है, उसको थोड़ा दूर कर दो, उसको दूसरे रूम में देख के आ जाओ या फिर अपनी मम्मी को देख के आ जाओ। ठीक है, ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बगल में फ़ोन होगा उसमें नोटिफिकेशन आएगी, आप चेक करने जाओगे और चेक करते वक्त आपके फिर उसमें टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर रहना है। जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे 1-2 घंटे जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो फ़ोन वगैरह ठीक है, मतलब गेमिंग वगैरह जो भी आपके आसपास होते चीज़ें, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, उसको दूसरे रूम में रख के आ जाओ या फिर अपनी मम्मी को दे दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, जैसे मेरी पढ़ाई होती है आप मुझे फ़ोन दे देना, ये कर सकती हो। ठीक है, और जो तीसरी प्रो टिप है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई सब्सक्राइब करना, कि अगर आप पहले बच्चे हो जो कि नया पहली बार आए हैं जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, इतना बोल सकता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने लाखों बच्चों को गाइड किया था, इस साल बहुत सारे बच्चे जो कि एग्जाम में फोड़ के आने वाले हैं, अगर आप भी मुझे पूरे साल फॉलो कर लेते हो ना, बिलीव मी आप भी फोड़ के आओगे। तो आपसे बस कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, पहले बार आए हो तो नीचे एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस बटन को दबा के जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो यार लाइक वगैरह कर देना, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, आपको कोई भी वीडियो के ऊपर चाहिए, आपको किसी भी प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको बताया है उस पर, कोई भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आगे आपको कैसी वीडियोस चाहिए, कमेंट करो, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, अगर जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड क्यों रुका तू है यहाँ, होना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ़।